उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने रविवार को सर्किट हाउस के सभागार में व्यापारियों और भाजपा पदाधिकारियों और व्यापारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी व व्यापारी उपस्थित रहे। बैठक में गोरखपुर में होने वाले व्यापारी सम्मेलन की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गयी। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से गृह विभाग ने एक शासनादेश जारी कर दिया है। गत विगत वर्षों की भाद फुटकर आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति प्रदान कर दी गई है। 30 नवंबर तक जिस 100 विलंब शुल्क 100 रुपए प्रतिदिन होता था FSSAI के, उस विलंब शुल्क को बकाया हो गई। तो फूड खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जितने भी लाइसेंस मेडिकल स्टोरों के, दवाई की दुकानों के, मिठाइयों की दुकानों की या किसी भी खाद्यान्न की बिक्री के लिए जितने भी लाइसेंस जारी होने थे, उसमें 30 दिसंबर तक के लिए हमने पूरी छूट कर दी है। अध्यक्ष जुझारू और कर्मठ विभिन्न व्यापारिक आंदोलनों में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले हमारे बीच उपस्थित मनीष गुप्ता जी, हमारे बीच उपस्थित वरिष्ठ व्यापारी नेता जाएंगे। एक और बात बतानी रह गई थी, बता देते हैं। हमारे व्यापारियों की जो कठिनाइयां थी उसके संदर्भ में जो भी नए आदेश निर्गत हुए हैं, इन सारी चीजों को आपके सामने रखा है और मैं समझता हूँ कि इन चीजों को आप अपने अपने क्षेत्रों में जिस जिस क्षेत्र से आप आते हैं उन क्षेत्र के लोगों को भी बैठकों के माध्यम से उनको इन सारी चीजों के बारे में अवगत कराएंगे ताकि व्यापारी समुदाय का इसमें कल्याण हो और यहाँ से कई राज्यों और दूसरे देशों तक को व्यापार होता है। कई राज्यों के लिए वाराणसी और गोरखपुर दो स्थान ऐसे हैं पूर्वांचल में जहां से बड़े स्तर पर व्यापार होता है। तो व्यापारियों की एक बड़ी रैली गोरखपुर में करने का हम लोगों ने तय किया है। हमारे सारे महानुभावगण यहाँ पर मेरे साथ में है, जल्दी उसकी तिथि की भी घोषणा होगी, आज उस पर विचार विमर्श भी होना है। इस विषय के लिए भी मैं आया हुआ हूँ, ये आपको स्पष्ट कर दूं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के परम आदरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के वित्त मंत्री, भारत सरकार के रेल मंत्री, भारत सरकार के अन्य विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे। ये मैं पहले से आपको सूचना दूंगा।